कबड्डी जगत में सैकड़े अंतरराष्ट्री कबड्डी खिडारी पैदा करने वाले गुरदासपुर के पिंड दरगाबाद के अंतरराष्ट्री कबड्डी खिडारी ते कोच सेबू पहलवान का आलीशान रैन सेरा उसके चेलियां वालों बनाया जा रहा है। अंतरराष्ट्री खिडारी अमृतपाल कनेडा वालों ते कबड्डी खिडारियों के सहयोग नाल लखां रुपयां दी लागत नाल जंगी पद्धर ते उसका घर उसारिया जा रहा है। ते नाल ही पहलवान नूं खेती करन लई 10 एकड़ जमीन ट्रैक्टर ट्राली अते खेतीबाड़ी दे होर संद दित्ते गए ने अते हुण सेबू पहलवान नूं विदेश ले जाण दी तैयारी शुरू कीती है। सेबू पिंड दरगाबाद जिला गुरदासपुर ते पहलवानी भाजी अपने पिंड नाल कबड्डी दा मैच हुंदा वा बहुत तगड़ा जिदे कारण आपू वेख्या कबड्डी जिदा वधिया स्टार प्लेयर होंगे सुखराज भाजी होने बहुत बहुत तगड़े प्लेयर लक्की कराली अर्गे मतलब है ना भी भीमे होनी पिंदर होनी हरजीत बराड़ होनी पिंडू होनी बहुत बहुत तगड़े स्टार खेडे मेरे पिंड जिदा सब्बे होनी पप्पू होनी इदा तो उन्होंने देख के कबड्डी शुरू की। मैं तो मैं 2002 जिदा कबड्डी शुरू की भाजी स्कूलों में जिदा खेडे तो मुड़ के उस बाद उस्ताद प्रभा वा अपना कोच तो उन्होंने आपू बहुत ज़्यादा उत्साहित किया कबड्डी का तो वो कारण फिर कबड्डी तह तो लैके जिमें जिमें आप कबड्डी खेडी तो 2008 इंग्लैंड का मौका मिला खेडन का तो इस तरह अगर कबड्डी का सफर वाधा गया तो हूँ तक दी कबड्डी जी खेडी जाए कि भाजी प्रेयर तो अनेक ही ना लैन लगा तो बहुत लंबा समा वा पर जिहड़े जिदा महावीर अठवाल हीगा पप्पी हीगा जिदा अपना डैथ हो गई है दो प्लेयर की तो हूँ अमृतपाल आ उत्ते बीता वा अपना मुंडा अपना शेरा वा इन्हें सब सीखिया मेरे को भाजी बहुत बहुत ज़्यादा इन्हें ट्रेनिंग इन्हें मतलब सिखाई दी बहुत ज़्यादा इन्होंने मैं दसिया भी आह चीज़ा किदा करनिया किदा कबड्डी बारे तो अजो बंदी उत्ते बहुत मतलब वधिया तरह रह रहे आ सैटल ने सारा कुछ भाजी पंजाब ना प्लेयर वेखो बहुत औखा पलता वो प्लेयर मुड़ के जो प्लेयर नौकरी नहीं मिलती कोई नहीं फ्यूचर कोई नहीं स्पोर्ट्स का कबड्डी वाला खास करके जो प्लेयर जो कबड्डी खेलों हट जाता तो मुड़ के किधर नहीं जाऊँगा कुछ भी नहीं मिलता तो भाजी इस करके फिर बहर न होंगे भी चल मैं हूँ बहर बूर चल जा जिदा अपना जीवन सैटल करना इन्ना चेहरा कबड्डी देता कुछ नहीं बनया जा करना तो इस करके वो प्लेयर कित ना कि मुंडे उदा भी बहर चाई जाते हैं कोई ये मतलब सरकार को सोचना चाहिए वा चंगे वधिया कोच हो स्कूलों के कॉलेजों से चंगी ट्रेनिंग देन उ बच्चे जो नशे तो बच जाते सारे बंद नशे तो बच सकते हैं क्योंकि आपका कोई टीचा होना चाहिए सरकार का कि आ लैवल है सरकार का मान लो जिला पार किया तो जिदा ब्लाक जिदा सारा कुछ पार कर दिया आ नौकरी इतने आह मिल सकती है आ इतने मिल सकती आह नौकरी इतने मिल सकती है वह पक्का है भी परमानेंट नौकरी मिलनी मिलनी है तो बंदे मेहनत लाएंगे तो नशे तो ही रहत हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने जान ही होगा कि आप बनना जो पहला वर्ल्ड कप शुरू किया गया पंजाब के वर्ल्ड कप कबड्डी वर्ल्ड कप होते कि खिलाड़ा मिले इस कबड्डी खेड में भाजी उदो वर्ल्ड कप के नाल ना जो अपना बादल साहब ने कराया वा उदे नाल ना जिदा प्लेयर का एक ध्यान कबड्डी का बहुत दुनिया ध्यान कबड्डी हो गया वो NRI वीर ने बहुत चुकया कबड्डी क्योंकि NRI वीर पहला ही चुकते ही तो उदो कुछ होर हंगारा मिलया जोड़े मैच असं 10,000 खेडते हैं उन्होंने रेट 20,000 रुपया करता वा चंगे प्लेयर का मुल पाता उन्हें तो उसके बाद बाद कोई कप ही नहीं हो जिमें जिमें भी कबड्डी फिर ठान फिर जान लिया बहुत भाजी NRI भी साढ़े ना हो कबड्डी खत्म हो जाए कबड्डी के हूँ तुम पता भी बहुत तरह के मतलब वारदात हो जाए कुछ भी इदा भी है सारा कुछ ही तो कितने कितने अगे ना लोग बहुत कबड्डी के डरन लग गए रुझान हो गया वा इदा करके भी औखा हो मानते हो जो चेले चेले जिदा भी आते हैं सारे ही वधिया स्टार ही अपने चेले मैं सिखाया इदा सारे बहर चल गए मेरे चेले जिन्हें भी बनाए सारे बहर गए तो उन्हें मेरे घर आना इतने उस्ताद जी अपना घर कच्चा वा तो उत्तों बाले ही तो अपना भी ठंडा बड़ा मैं आखना भी कोई ना आते उस्ताद जी भी चुनते ही नहीं है कई बार मिट्टी पानी उन्हें मैंने चुनते जो बारिश बुरश होती फिर कई बार ज्यादा वो चुनते हैं तो कहना कोई ना कोई समा आऊगा तो आपको जोड़ना तो मैंने भी कोई ना भी मैं कर लूँगा सैटअप ही तो एक दिन ऐसा आया
कि उन्होंने एक निशाना ही विस्तार घर आना। अमृतपाल इतों कैनेडा तो आया है, बीमार हो गया है, तो इतों जाद्या मैंने फोन किया सर जी भी किदा ठीक ठाक। मैं ठीक अगले दिन मेरे घर भाजी तीन चार बंदे आ गए, कहते घट आना है। मैं ना मतलब एक बंद यकदम कंफ्यूजन जहा हो जाता भाजी भी ये की हो लगा। मैं यार कह तो आँख अमृतपाल ने कल मैं फोन कर दा, मैं फोन किया मैं भी अमृतपाल इदा बंद कहता भी हाँ जी। तो मैं भी नहीं नहीं यार भी तू ठीक नहीं अजय नहीं रुक जा, अगों लड़न लग गया मेरे नस्ताद भी तू इदा ही कही सारी जिंदगी इदा ही करती भी कोई ना कह के। तो हूँ नहीं वेखना समान क्ढना क्ढिया जा नहीं तो सुट दो सारा समान थले। मैं ना भी समान औखा आता भी नवा लड़ लाँगा। मैं नहीं समान क्ढिया घर सारे दोबारा ढा ढू के सारा कुछ तो दोहरे आए कुत्ते दे ही रहे सारा कुछ तो बुला शुरू करता। तो वो सहयोगी मित्र ही अपने होर वीर भरा कबड्डी वाले जो अपने खेड में प्यार करते जो उन्होंने भी करते ही वो खेड में करते ही होर भी उन्होंने बहुत सहयोग दिता। इदा उन्होंने घर वास्ते घर का सारा समान उसे देने भाजी। मैं मतलब उन्होंने जिदा जमीन ही उन्होंने 10 किले अमृतपाल को ट्रैक्टर आ ट्राली आ सारा एक मतलब जिदा खेतीबाड़ी संद जिन्हें भी आ डंगर रखे आ तीन चार डंगर वो को उन्हें फोन किया दसता जी भी माता का तो बापू का वीजा लग गया वा तुम आओ तो आ घर बार दाबियाँ सर लो उन्होंने तो सामभो तो ये जमीन ताी आ तुहें वाहनी आ तुहें खानी है बस सारा कुछ तुम देता। कि खुशी होंगी है भी जो शागिर्द से चंगी तरह पढ़ा लिखा के मतलब कहने सब कुछ सिखा के बहर भेजा भाजी इस मुकाम से भाजी खुशी तो देखो बहुत ज़्यादा होंगी है क्योंकि हर गुरु के चेले जोड़े आ हीरो नहीं बनते विरले गुरु होंगे जिन्हें हीरो बनते निजत साफ हो मकसद सही हो उस्ताद का फिर ही प्लेयर पैदा इदा करके भेज सकता। मैं कोई हेरा फेरी नहीं की कोई नशे नहीं लगने तो उन्होंने समय समय के नाल सारिया मतलब जीडिया गल् सिखाइया हर प्लेयर की इज्जत करो हार का सत्कार करो चाहे कोई भी कोच आ गोडी हथ लो जाके सारा कुछ ये चीज़ा दसिया उन्होंने। मैं तो आंदे ठीक है उस्ताद जी तो अज उन्होंने वो कम करके विखाया भी जोड़ा कोई मतलब मेरे हिसाब ना तो चेले किसी ने किए नहीं पंजाब अज तक इदा का कि अपना सारा घर बार सान का समान जमीन दे देनी बहुत वड्डी गल है भाजी। एक कोई दस मरले नहीं दिता तो आम बंदे अपने 10 रुपये गवा जाए तो अपना हिरखला करता कई रुपये तो पैसे गवाच गए जिदा दे ही दे सकते किसी को पर उन्होंने जो करता उन्होंने भी इतिहास ही वक्त सरकार की बेरुखी का सामना करना पड़ा बहुत भाजी। कई बार भी इदा 10 साल तो यहोजी मार वजी सानू कि सरकार ने बैन लाता है जो अं पूरे वधिया हाँ दिना टॉप से खेडन डे हाँ तो उदो बैन लगा रहा उदो कोई नौकरी नहीं तो जे हूँ आप सिखाने सारा कुछ कर रहे हैं सानू ये भी बंदे को होंदा भी कोई कोचिंग का फायदा तो भी आप देने लोगों है ना फ्री कोचिंग कि कोई सरकार ना चंगे कोच स्कूलों चलावे तो जिते जिते चंगे तो ग्राउंडा वेखन भी इतने चल दया वा मैना किया जाए उन्होंने चंगे कोच हो चंगे प्लेयर पैदा होन तो वह जो प्लेयर ही होंगे हमेशा नशे तो बचे रहेंगे तो आने वाले समय च आने वाली पीढ़ी में बहुत ही ज़्यादा हंगारा भरवा मिलेगा तो नशे तो पंजाब मुक्त होगा। बहुत वधिया सोच है जी बड़ा वधिया नेक उपराला किया सारे वीर ने कट्ठिया हो के तो जो मतलब सारे वीर कट्ठे कोचिंग लेंदे सीगे पहलवान हुणा को तो ये उदों का सुपना सीगा तो उदों ही उन्होंने ये चीज़ दिल च वसाई कि जिदन कितने वधिया कारोबार सच्चे पातशाह ने सैट किया तो अपने काम बाद करा तो सब तो पहला उस्ताद नूं वधिया एक रहन बसेरा बना के दिता जाएगा तो अज हुण वो तुहाडे सामने भी वधिया घर जिहड़ा वा बना के दिता जा रहा भलवान हुणा नूं तो अहीं यही कह सकते हैं भी अपना एक उस्ताद वास्ते इस तो वड्डी दक्षिणा कोई नहीं हो सकती भी जिहड़े इन्होंने अपना प्लेयर तैयार किए सीगे उन्होंने अज भी मतलब उस्ताद लई उन्नी ही इज्जत है जिनी पहले दिन ग्राउंड च वड़दे इन्हां ते पैरी हथ ला के उन्हां दे मन च सीगी अज भी उन्ना ही प्यार करदे ने जिन्ना पहले दिन इन्हां दे कोल आए सीगे। की दित्ता गया इन्हां नूं मान सम्मान वेखो जी जिहड़ा साडा वीर है अमृतपाल सिंह कैनेडा ये सारा मतलब उन्हें पहलकदमी की ते सारे अपने भरा इकट्ठे किए ते दो साडे वीर जिहड़े अज साडे विच नहीं रहे महावीर अठवाल ते पप्पी ते उन्हां दी भी यही ख्वाहिश सीगी भी असीं जिदन मतलब वधिया किसी मुकाम पर पहुँचे तो पहलवान हुणां नूं घर बना के देना तो वह बड़ी छोटी जी उम्र के साडे कोलों चले गए ना तो अज कि ना कि उन्हां दी भी आत्मा नूं मतलब ठंड पैंदी होगी भी
भी अपना जो सुपना सीगा भी वो अज जो सोचा सी पूरा हो रहा। फिर अमृत के जेडे अपना मम्मी पापा ने उन्होंने वीज़ा लग गया कैनेडा तो उन्होंने भी हूँ कैनेडा चले जाना। तो जिनी पिछे जमीन सी 10 किले के करीब जमीन है तो जिन्हें भी मतलब खेतीबाड़ी रिलेटिड मशीनरी है फिर जिन्ना भी अपना पशु ने ते घर दे जिन्ने भी संद हुंदे आउण जाण लई उह सारे भरवान हुण कहि भी तुसीं रज के वाहो ते रज के खाओ भी आपां नूं इस चीज़ नाल नहीं हैगा तुसीं वधिया तरीके दे नाल अपना मेहनत करो ते जिहड़े नवें मुंडे होर ने उहनां नूं तैयार करो वक्त तों वक्त तां जो उह नशियां तों दूर रहिण ते इक वधिया समाज दा हिस्सा बन सकण। कितना किते जिद्दां खेड़दा चेलियां नूं जदों गुरू नूं भुल जांदे आ जदों किते गांह निकलदे आ हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी जिदा भी ये ताडे चैनल दे माध्यम ये अपना जाऊगी ते जेडे अपना वधिया सोच रखते ने वो इस चीज़ तो मतलब एक सीध जरूर लैणगे भी असी भी अपने उस्ताद वास्ते कुछ ना कुछ करिए। तुसी वेखियो विद इन टाइम ऑफ स्पैन तुहानू पता लगेगा भी अपना भी असी इस चीज़ नू कवर कीता सीगा ते होरा अपना जिहड़े शागिर्द ने उन्हां अपने उस्तादां वास्ते अग्गे आउणा शुरू कीता भी कुछ ना कुछ उन्हां नूं बना के देईए। सरकारां दी बेरुखी दा सामना भी करना पै रिहा प्लेयरां नूं क्योंकि ज़्यादातर प्लेयर जिहड़े इत्थों बाहर जा के ज़्यादा खेडना पसंद करदे ने, की लगदा? बिल्कुल जी ये सारे मतलब तुहाडे सामने ही है भी सरकारां कोल कोई वधिया पॉलिसीज़ नहीं हैगियां स्पोर्ट्स नूं लैके। फिर उत्तों नशे दा भी तुहानूं पता है जी दरिया वग रिहा तो जिहड़े बच्चे आ उन्हां कोलों वधिया स्पोर्ट्स ग्राउंड ना होण कारण वधिया कोच ना होण कारण वह मतलब ग्राउंड 'च जाना पसंद नहीं करते। असीं तुहाडे चैनल के माध्यम यही अपील करते हैं सरकारां नूं भी कोई इहो जी पॉलिसी लेके आओ भी जिहड़े बच्चे इनकरज होण खेडां नूं जाण वास्ते। जे असीं अज घरां दे हालात वेखीए कोई माँ प्यो ही नहीं कहूगा भी अपने बच्चे नूं तूं जा के खेड क्योंकि अगे फ्यूचर ही नहीं हैगा। हुण बच्चे माँ प्यो नूं इह हुंदा ना भी साडा बच्चा कोई कम सिखे कल नूं अपनी रोटी ते मतलब कमाउण जोगा हो जाए जदों सानूं स्पोर्ट्स कुछ दिखना ही नहीं है ते फिर बच्चे किद्दां जाणगे ना। ते आपां नूं इस जिहड़ा मुद्दा इहनूं बड़ी संजीदगी नाल लैणा चाहीदा।